हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जुलाई, नई मंथ की पहली तारीख। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में 1 जुलाई की क्या क्या अपडेट्स हैं। इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो शिक्षा निदेशालय ने 2 अहम फैसले लिए हैं, जिसकी सूचना मनीष सिसोदिया जी ने दी है। प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश दिया है कि इस साल के 25% EWS कैटेगरी में एडमिशन की प्रक्रिया जनरल कैटेगरी के 75% एडमिशन का इंतजार किए बिना जल्द पूरी की जाए। इस साल सरकार ने 32,500 EWS बच्चों को ड्रॉ निकाला है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में सभी क्लास के लिए 19 जुलाई से 2 सप्ताह लंबी स्पेशल PTM आयोजित होगी। क्लास 6 के बच्चों के लिए संयुक्त PTM होगी। इसमें MCD के क्लास 4 और 5 के शिक्षक और दिल्ली सरकार के स्कूलों के कक्षा 6 के शिक्षक मिलकर अभिभावकों से बात करेंगे। दिल्ली में सामान डिलीवरी वालों को टीके लगेंगे। 4 विशेष केंद्र शुरू किए जाएंगे। ये जानकारी भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है कि दिल्ली सरकार ने खाद्य और ई कॉमर्स डिलीवरी एजेंटों को टीका लगाने के लिए 4 विशेष टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। IIT दिल्ली ने सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए ग्रास रूट इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA द्वारा शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम प्रोफेसर के विजय राघवन ने सोमवार को उन समुदायों सहित ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के छात्रों द्वारा पहचान की गई जमीनी सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने पर काम करना चाहता है। झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि 30 नाबालिगों को तस्करी से छुड़ाकर दिल्ली लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में COVID-19 मामलों में गिरावट देखी गई। 94 केस आए हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 मौतें हुई हैं। तो बुधवार को दिल्ली के COVID-19 की हम बात करें तो मंगलवार के 101 केस थे। हालांकि मंगलवार से कम है, लेकिन ये केस अभी भी सोमवार और रविवार से ज्यादा हैं। दिल्ली में 2000 से अधिक बच्चों ने COVID-19 में एक या दोनों माता पिता को खो दिया है। DCPCR सर्वेक्षण के द्वारा ये पाया गया है। तो इस संक्रमण से कम 651 बच्चों ने अपनी माताओं को खो दिया और 1311 ने अपने पिताओं को खो दिया है। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। द्वारका में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। दंपत्ति के घर में छिपा था आरोपी। जांचकर्ताओं ने कहा कि महिला का भाई कथित मास्टरमाइंड फरार है। पुलिस ने कहा कि उसे 4 साल पहले भी हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। COVID-19 महामारी के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने साप्ताहिक बाजार शुल्क माफ किया है और साप्ताहिक बाजारों में विक्रेताओं को पिछले 1 साल में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण साप्ताहिक बाजार लंबे महीनों से बंद थे। उच्च ईंधन दरों के प्रभाव के कारण दिल्ली के बाजारों में सब्जियों फलों की कीमतों में और वृद्धि। हालांकि सब्जी और फल व्यापारियों ने कहा कि इस समय दरें इतनी तेज नहीं थी, लेकिन संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में ये उपभोग्य वस्तुएं महंगी हो सकती हैं यदि डीजल की कीमतों में इस तरीके से बढ़ोतरी जारी रही तो। जैसे सरकार नए उत्पाद शुल्क नियमों में ढील देती है, शराब पर जल्द छूट की उम्मीद है। ST ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री के लिए नए लाइसेंस धारकों के लिए निविदाएं मांगी हैं, जिससे कि शहर के राजस्व को बढ़ावा देने और शराब माफिया पर नकेल कसने और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार के लिए व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दिल्ली ने तीसरी कोविड लहर की तैयारी के लिए 5,000 स्वास्थ्य सहायकों का प्रशिक्षण शुरू किया। दिल्ली ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से 5,000 स्वास्थ्य सहायकों की टिप्पणियों का परीक्षण शुरू। IIT दिल्ली के छात्र जमीनी स्तर से सामाजिक मुद्दों की पहचान करेंगे और समाधान ढूंढेंगे। दिल्ली में एक और दंगा सामने आया, जहां पर कोर्ट ने हत्या के 7 आरोपियों को दी जमानत और मुकदमे के अंत तक जेल नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली दमकल सेवा ने अधिकारियों को बताया कि एक 45 वर्षीय महिला, उसके 2 बेटों और 1 बेटी की बुधवार को दम घोटने से मृत्यु हो गई, जब LPG सिलेंडर विस्फोट के बाद उसके शहादरा आवास में आग लग गई थी। 11वें घंटे में अदालत नहीं जा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE 10वीं कक्षा के परिणाम पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट में याचिका में प्रार्थना की गई थी कि सभी CBSE से संबद्ध स्कूलों को परिणाम घोषित करने से पहले 10वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के मानदंड वाले तर्कसंगत दस्तावेज प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि पहल हो रही थी, मांग हो उठ रही थी कि 10वीं की कक्षा के परिणाम किस बेस पर तैयार होंगे वो पारदर्शी रखे जाए। दिल्ली में 2000 से अधिक बच्चों ने COVID-19 में, ये मैंने आपको बता दिया है कि
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई का विरोध। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई में लग गए हैं। दिल्ली के मौसम के हाल की बात करें तो लू जैसे हालात आज भी जारी रहेंगे। बुधवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम 42 डिग्री। दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की झड़प का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि यह घटना प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए एक और सरकार की साजिश है। 5 कोविड मामलों में पहला रेक्टल ब्लीडिंग केस आया, जिसमें से एक की मौत हो गई है। दिल्ली अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने ये जानकारी दी है कि इन रोगियों ने कोविड के निदान के 20 से 30 दिनों के बाद सुविधा में सूचना दी है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक। IMG के पालम वेधशाला के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोविड 19 प्रोटोकॉल उल्लंघन पर दिल्ली का लक्ष्मी नगर बाजार को बंद कर दिया गया है। कोविड 19 मामलों में वृद्धि के आलोक में 19 अप्रैल को दिल्ली में एक सख्त लॉकडाउन किया गया था और 31 मई से जैसे ही मामले कम होने लगे, सरकार ने चरणबद्ध तरीकों से अनलॉक करना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की कुछ अपडेट। इसी तरीके से दिल्ली से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो much. Bye-bye. Take care.